सॉफ्टवेयर कितने मतलब सालों से काम कर रहे थे या कितने डेढ़ साल से आप सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, फिर भी आप सॉफ्टवेयर आप सीखने आए यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ठीक है, तो मैं आपसे छोटा सवाल पूछता हूँ कि मीडिया टेक में आप कितने सोर्सेस से आप फ्लैश कर सकते हैं? सर मीडिया टेक में हम चार सोर्सेस से फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, पहला एचपी फ्लैश 2, ठीक है, दूसरा मिरेकल, वेरी गुड, तीसरा यूएमटी, वेरी गुड, और चौथा एमआरटी। एमआरटी से भी हम फ्लैश कर सकते हैं? सबकी आपकी प्रैक्टिकल दिखाई गई केवल बताया गया है? सारे जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे बताया कि प्रैक्टिकल है कि केवल बताया है? सारे फाइलों को, सारे टूल को चलाना, मैनुअली ड्राइवर चलाना बताया कि नहीं बताया? चलिए वेरी गुड। देख रहे हैं आपका चैनल एसआर टेलीकॉम और मैं दुर्गेश कुमार सोनी। ये हमारा 28 जनवरी का बैच चल रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये बैच हमारा चल रहा है। और मैं जैसा कि आप देख सकते हैं 28 जनवरी का हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है और सॉफ्टवेयर भी हमारा लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसे क्या होता है, कितने वे होते हैं, क्या होते हैं। मीडिया टेक की फ्लैशिंग कर लेंगे? कॉलकॉम, एम आई, सैमसंग, आईफोन, एसपीडी। ठीक है दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, उससे हम पूछते हैं अब अगर यहाँ पे सारा स्टेप बाय स्टेप होते, सॉफ्टवेयर कैसे होता है, सॉफ्टवेयर इजी हो गया कि नहीं हो गया? और उससे पहले हमने कुछ बोला था, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या बोला था? किसकी किसकी बज रही, किसकी नहीं बज रही? बज रही है। चलिए ठीक है, तो मैं पहले स्टूडेंट अपने खड़ा करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या कैसे क्या क्या होता है। तो ठीक है, आपका अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम पिंकज शर्मा। आपका सॉफ्टवेयर का लगभग सॉफ्टवेयर कितने तरीके से होते हैं, पहले तो आप यही बता दो। सर सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा ईएमसी थ्रू होता है और एक फ्लैशिंग के। चलिए हम आपसे बात करते हैं, तो आपका सीपीयू आपकी फ्लैशिंग कितने वे से होती है, कितने तरीकों से होती है? सर फ्लैशिंग दो वे से होती है। कौन कौन सी? सीपीयू और फाइल। वेरी गुड, सीपीयू और फाइल वाइज होती है। कौन कौन सी होती है? कोई ब्रांड वाइज नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर में कितने काम आते हैं। सॉफ्टवेयर में दो काम आते हैं सर, फ्लैशिंग होती है और एफआरपी। बस तीसरा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है सॉफ्टवेयर में, केवल और केवल दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं आपकी, एक फ्लैशिंग और दूसरी एफआरपी। चलो सॉफ्टवेयर को मैंने इजी कर दिया, तो मैं आपसे पूछता हूँ सॉफ्टवेयर में कितने स्टेप है? फाइव स्टेप है। तो पहला स्टेप बता दो। सर पहला सीपीयू ट्रेनिंग, पहला उसकी सीपीयू जाननी होती है किसी भी फोन का, में क्या जानना होता है? दूसरा स्टेप ड्राइवर्स, दूसरा जो सीपीयू होगा तो उसे हमें ड्राइवर भी चाहिए। ठीक है, तीसरा सर फाइल, अगर वो सीपीयू होगा, सीपीयू है ही क्योंकि हम फ्लैशिंग करेंगे ही, तो उसमें हमें क्या चाहिए? फाइल चाहिए। चौथा क्या होगा? टूल। और जब अगर फाइल होगा तो हमें क्या चाहिए? टूल भी चाहिए। अब वो सब होने के बाद भी, चार स्टेप होने के बाद भी फाइनल स्टेप क्या होता है? बूटिंग। तो अब हमारा जो सीपीयू होगा वो किस मोड में फ्लैश होगा, वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो हमारी पहले दिन की क्लास कौन सी हुई थी? पहले दिन की हमारी क्लास टूल्स की हुई थी। तो टूल्स में आप कहां से सेटअप डाउनलोड करना है, कैसे रन करना है, कैसे चलाना है, कर लेंगे? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं, बैठ जाओ। चलिए, तो पहले दिन सेकंड दिन की क्लास हमारी मीडिया टेक की हुई थी। तो सॉफ्टवेयर करने के जो स्टेप है, इन्होंने स्टेप बताया कि पांच स्टेप होते हैं, उसमें से आप पहला स्टेप बताओ। पहला स्टेप क्या होता है? सीपीयू जानना होता है, मतलब किसी भी फोन का सबसे पहला क्या जानना होता है? सीपीयू जानना होता है। तो पहला सीपीयू बताइए, सीपीयू जानने के कितने तरीके? सीपीयू जानने के चार प्रकार होते हैं सर। सीपीयू जानने के चार तरीके होते हैं, पहला बताइए। पहला है बोर्ड में जाके मॉडल नंबर सीपीयू टाइप, चिप टाइप। पहला है मॉडल नंबर, दूसरा बताइए। दूसरा होता है जीएसएम, दूसरा क्या होता है? तीसरा बताइए। तीसरा होता है पोर्ट बनना, लेकिन पोर्ट तभी बनता है जब हमारे पास ड्राइवर होते हैं। मतलब हमारे लैपटॉप में जब ड्राइवर होंगे तभी तीसरा काम करेगा। चौथा फाइल और टूल। फाइल और टूल मतलब हम फाइल के आधार पे बता सकते हैं कौन सा सीपीयू है, और टूल के आधार से बता सकते हैं कौन सा सीपीयू है। और कुछ है? मैं खास बताना चाहता हूँ कि पांचवा तरीका होता है जो सिर्फ एशिया टेलीकॉम में सिखाया जाता है, अगर आपको सीखना है तो एशिया टेलीकॉम में आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इन्होंने पहले बताया चार तरीके होते हैं, पर इन्होंने लास्ट में यह भी बताया कि एक पांचवा तरीका भी है। और वो कहाँ मिलेगा? एशिया। चलिए ठीक है, अब हम पूछना चाहते हैं दूसरा, कि आप बताओ कि दूसरा स्टेप क्या होता है? ड्राइवर। तो मीडिया टेक में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? वी कॉम प्रीलोडर। वेरी गुड, कितने ड्राइवर चलाने होते हैं? कौन कौन से? एक तो MT-65XX और MT-67XX। वेरी गुड, मैनुअली की इंस्टॉलर? इंस्टॉलर भी आप चला सकते हैं, इंस्टॉलर भी आप चला सकते हैं, बट आपको मैनुअली क्या करने हैं? चलाने ही चलाने। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैनुअली ड्राइवर चलाने के लिए क्या स्टेप है? पहले डिवाइस मैनेजर ओपन करना है सर। वेरी गुड, एक्शन पे जाना है। वेरी गुड, एक्शन पे जाने के बाद हार्डवेयर लेगेसी चूज करना है। वेरी गुड, चूज करने के बाद मैनुअली भी चूज करना है। मैनुअली करना है, क्योंकि आपसे वहाँ पे जैसे ही आपने नेस्ट करेंगे तो आपसे पूछेंगे मैनुअली करना है कि इंस्टॉलेशन करना है, तो आपको क्या करना है? मैनुअली। फिर मैनुअली चूज करने के बाद
हैवेटिक्स पे जाना है, वेरी गुड। फिर ब्राउज करके अपना पाथ या लोकेशन देना है, जहां आपने फाइल को स्टोर की है वहां आपने फाइल को देना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपके ड्राइवर्स दोनों मैनुअली इंस्टॉल हो जाएंगे, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, तीसरा स्टेप आप बताओ सर। उसके बाद फाइल की जरूरत पड़ती है, मतलब सॉफ्टवेयर करने का तीसरा स्टेप होता है फाइल। तो मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? स्कैटर फाइल होती है। तो आपसे फाइल आपने बताया तो फाइल के बारे में छोटी सी डिटेल ले लेता हूँ। फाइल कितने प्रकार की होती है? सब दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक स्टेबल होता है, एक डेवलपर होता है। वेरी गुड। फाइल के सोर्सेज बता दो आप। सर फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं तीन तरीके से, बताइए। यूट्यूब, गूगल और एक तीसरा ऐप है। वेरी गुड। आप एक गूगल के माध्यम से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, तीसरा आप पैड कर सकते हैं। पैड में सारी चीजें जुड़ी है जो कि हमने आपको बताई हुई है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, अब आप खड़े हो जाइए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? चौथा टूल। तो मीडियाटेक में कौन सा टूल यूज होता है? एसपी फ्लैश टूल। एसपी फ्लैश टूल आप नॉर्मल डाउनलोड कर लेंगे, गूगल में जाके लिखेंगे एसपी फ्लैश टूल। अच्छा ये बता दीजिए, एसपी फ्लैश टूल में कितने वर्जन है? कौन कौन से? एसपी फ्लैश टूल में कितने वर्जन होते हैं? कौन कौन से? V3, V5। वेरी गुड। V3 के भी फिर वर्जन है और V5 के भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट, पांचवा स्टेप क्या होता है? मोड। तो मीडियाटेक किस मोड में फ्लैश होता है? फ्लैश मोड होता है, वेरी गुड। तो फ्लैश मोड क्या क्या हो सकता है? सर उसका प्लस होता है, अप होता है, डाउन होता है। या तो अप हो सकता है तो डाउन हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, या फिर हमको डायरेक्ट यूएसबी केबल इंसर्ट करना है, वेरी गुड। अब हम आगे की क्लास पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अब हमारी नेक्स्ट दिन की क्लास हुई थी कॉलकम की। तो कॉलकम की क्लास में हमारा पहला स्टेप होता है सीपीयू जानना। तो पहला स्टेप तो बार बार रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी सेकंड दिन की क्लास हुई थी सीपीयू, क्योंकि हमने पहला स्टेप जान लिया उसमें सीपीयू लगा हुआ है कॉलकम का। तो अब बताइए सेकंड स्टेप क्या होता है? ड्राइवर। तो कॉलकम में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? वेरी गुड। क्यूटी लोडर 9000। एक बार चलाने की बार बार चलाने, वन टाइम चलाना है। अब आपसे तीसरा स्टेप पूछते हैं क्या होता है, आप बताइए तीसरा स्टेप क्या होता है? फाइल। कॉलकम में कौन सी फाइल आती है? firehouse.mn। कौन सी फाइल होती है? लोडर फाइल होती है। उसके अलावा भी फाइलें आती है? कौन सी आती है? मतलब उसमें देखा जाए तो दो फाइलें होती है, एक लोडर और XML। XML फाइलें में कौन कौन सी होती है? वेरी गुड। अब हम आपसे नेक्स्ट पूछते हैं कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टूल। उसमें कौन सा स्टेप होता है? टूल। तो कॉलकम में कौन सा टूल यूज होता है? क्यूफिल या क्यूपीएसटी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पूछते हैं आपसे, पांचवा तरीका क्या होता है? उसको फ्लैशिंग मोड, बूटिंग। तो कॉलकम किस मोड में फ्लैश होता है? ईडीएल मोड पे। ईडीएल मोड। ईडीएल मोड लाने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके। कौन कौन से? एक ईडीएल जिग, वेरी गुड। ईडीएल टेस्ट पॉइंट, ईडीएल टेस्ट पॉइंट, या तो फिर वॉल्यूम अप डाउन इंसर्ट केबल, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट दिन की क्लास MI की हुई थी। तो MI में मैं बता दूं आप, MI में CPU जाने दो CPU आते हैं, एक तो हमारा मीडियाटेक भी आता है, कॉलकम भी आता है। तो हमारा सेकंड स्टेप चलते हैं, तो आप खड़े हो जाओ। MI में ड्राइवर्स बताइए। मतलब आपके कहने का मतलब CPU के आधार पे हम काम करेंगे। अगर उसमें मीडियाटेक हुआ तो और कॉलकम हुआ तो, वेरी गुड। अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? तीसरा फाइल। तो MI में कौन सी फाइल आती है? वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप आप बताओ, चौथा टूल। तो MI में कौन सा टूल यूज होता है? वेरी गुड। अब हम इनसे पूछते हैं पांचवा, आप बताओ फाइव स्टेप क्या होता है? बूटिंग सर। बूटिंग। MI किस मोड में फ्लैश होता है? ईडीएल मोड। और वो केवल ईडीएल पॉइंट टेस्ट पॉइंट से। MI के फोन केवल क्या होंगे? ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट दिन की क्लास हुई थी सैमसंग की क्लास हुई है। तो सैमसंग की क्लास में हम जानते हैं अगर वो कीपैड हुआ तो उसमें स्पेक्ट्रम का CPU होता है। कौन सा CPU होता है? और हमारा स्मार्टफोन हुआ तो जाइनोक्स का CPU होता है। तो उनके मेथड अलग है। तो हम अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, आप खड़े हो जाओ। तो ड्राइवर। तो सेकंड स्टेप होता है ड्राइवर। तो सैमसंग में कौन से ड्राइवर होते हैं? सैमसंग USB ड्राइवर। कोई बात नहीं, सैमसंग USB ड्राइवर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, आप बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बैठ जाइए। फाइल। तो सैमसंग में कौन सी फाइल आती है? वेरी गुड। डॉटर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, आप बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टूल। तो सैमसंग में कौन से टूल यूज होते हैं? ओडिन टूल होते हैं, वेरी गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आते हैं अब बात करते हैं उसमें फाइलों में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बूटिंग। तो सैमसंग किस मोड में फ्लैश होता है? डाउनलोड मोड या ओडिन मोड, उसे दोनों बोल सकते हैं, डाउनलोड मोड या ओडिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैमसंग के बारे में, बात करते हैं, आप खड़े हो जाओ। सैमसंग ये FRP कितने मोड से हटा सकते हैं? दो मोड से सर। दो मोड से हटा सकते हैं, कौन कौन से?
तो डाउनलोड मोड तो आपका नॉर्मल आप कर सकते हैं, पर एडीबी को इनेबल करने के लिए क्या आपका फोन अगर एफआरपी में, मैं आपसे पूछता हूं, अगर फोन आपका एफआरपी में है तो क्या उसका एडीबी नॉर्मल तरीके से इनेबल हो जाएगा क्या? उसके लिए क्या करना होता है? कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा क्या करना होगा? फ्लैश करना, तब जाके आपका एडीबी इनेबल हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस आप उसमें आपको पता ही है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट दिन की क्लास हुई थी, आईफोन की क्लास हुई थी, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, खड़े हो जाओ, तो आईफोन की ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करेंगे? मतलब आप 3U टूल और iTunes टूल चला देंगे तो उसमें ड्राइवर क्या हो जाएंगे? ऑटो डिटेक्ट हो जाएंगे, मतलब उसमें कोई भी अलग से ड्राइवर नहीं। वेरी गुड। अब हम आपसे पूछते हैं उसमें फाइल कौन सी आती है, मतलब फाइल डाउनलोड करने के सोर्सेज बता दो आप। दो सोर्सेज कौन कौन से? एक IPSW और दूसरा टूल्स की अलग से। मतलब जो आप 3U टूल और iTunes से भी फाइल को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब आईफोन किस मोड में फ्लैश होता है? DFO मोड या तो iTunes मोड, मतलब उसे DFO मोड बोल सकते हैं और या तो उसको iTunes मोड बोल सकते हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट दिन की क्लास हुई थी स्पेक्ट्रम की, SPD की क्लास हुई थी, तो हम पहले पूछना चाहते हैं, पहला स्टेप तो क्लियर है, CPU पहला स्टेप क्या है? CPU। अब हमारा दूसरा स्टेप है, हम बात करते हैं, आप खड़े हो जाओ, दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप क्या होता है? ड्राइवर्स। तो SPD में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? SCI मैनुअली चलाना होता है, वन टाइम इंस्टॉलर मिले आप चला देना, पर आपको मैनुअली चलाना है। अब हम आपसे पूछते हैं, आप खड़े हो जाओ, तीसरा क्या स्टेप होता है? फाइल। तो फाइल SPD में कौन सी फाइल यूज होती है? पैक फाइल। अब हम बात करते हैं चौथा स्टेप, आप बताओ। टूल। तो एक आप टूल बता दो, रिसर्च। दूसरा टूल आप बता दो, अपग्रेडेड टूल। तीसरा आप बता दो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप बताओ? मतलब SPD फ्लैश मोड में फ्लैश होता है। फ्लैश मोड क्या क्या हो सकता है? सर, एक तो वॉल्यूम अप हो सकता है, एक तो डाउन हो सकता है, एक तो दोनों हो सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट USB केबल इन करके हो सकता है सर। वेरी गुड। अब बात करते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि आपका जो सॉफ्टवेयर है दो तरीकों से होता है, एक आपका CPU वाइज और एक फाइल वाइज। तो CPU वाइज जो आपकी फाइल बताया था, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है दो तरीकों से होता है, एक आपका CPU वाइज होता है और एक फाइल वाइज होता है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर था CPU वाइज कंप्लीट हो चुका है। आज जो क्लास चलेगी फाइल वाइज जानेंगे कि उसमें CVP फाइल क्या होती है, उसमें विंडो बैच फाइल आई तो कैसे करते हैं, सारा चीज ऑनलाइन ऑफलाइन, आपका जो कंट्री अनलॉक होता है वो सारा, अभी थोड़ा बहुत क्लास बचा हुआ है, आपका ASUS का क्लास बचा हुआ है, आपके बहुत सारे अभी क्लासेस बचे हुए हैं, अभी सॉफ्टवेयर खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, केवल 5 दिन का आउट है सॉफ्टवेयर का। कितने दिन का आउटपुट है? 5 दिन का आउटपुट है। अब हम बात करते हैं कुछ चीजें, ये बात कर सकते हैं कि कहां कहां से हम फ्लैश सोर्सेस की कहां से हम फ्लैश कर सकते हैं। तो आप खड़े हो जाओ, पहले तो आप ये बताओ, केवल आप सॉफ्टवेयर करने आए थे यहाँ पे केवल क्योंकि ये और भी जो स्टूडेंट है हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट है, जो ब्लैक कमांडो है, जो ब्लैक पहने हुए टी शर्ट हमारे, वो हमारे MMC के स्टूडेंट है, मतलब वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और MMC भी कर रहे हैं, जो हमारे ब्लैक टी शर्ट आप देख सकते हैं पहने हुए, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं, आप केवल सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे आए थे, तो कैसा लग रहा है पहले आप बताइए, 5 दिन की क्लास? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, मेरे जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर नहीं थे, वो सब क्लियर हो रहे। आप पहले सॉफ्टवेयर कितने मतलब सालों से काम कर रहे थे या कितने? डेढ़ साल से आप सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, फिर भी आप सॉफ्टवेयर आप सीखने आए यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ठीक है, तो मैं आपसे छोटा सवाल पूछता हूँ कि MediaTek में आप कितने सोर्सेस से आप फ्लैश कर सकते हैं? सर, MediaTek में हम 4 सोर्सेस से फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। पहला HP फ्लैश टूल, ठीक है। दूसरा Miracle, वेरी गुड। वेरी गुड। और चौथा MRT से भी हम फ्लैश कर सकते हैं। सबकी आपकी प्रैक्टिकल दिखाई गई, केवल बताया गया है? सारे जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे बताया कि प्रैक्टिकल है कि केवल बताया है? सारे फाइलों को, सारे टूल को चलाना, मैनुअली ड्राइवर चलाना बताया कि नहीं बताया? चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए, इनके लिए क्लैप कर दो, क्योंकि ठीक है। अब हम पूछते हैं, आप खड़े हो जाओ, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी, आप कॉलकॉम में ये बताइए कि कॉलकॉम में कहाँ से फ्लैश कर सकते हैं? पहला तो क्यूफील, दूसरा UMT से फ्लैश कर सकते हैं, तीसरा मेरिकल से। तो ये सारी फ्लैशिंग आपको दिखाई गई कि नहीं दिखाई गई है? दिखाई गई है ना। अब हम बात करते हैं, अब आप बताइए, खड़े हो जाइए, MI को कहाँ से फ्लैश कर सकते हैं? पहला तो MI फ्लैश टूल से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? दूसरा बताइए, UMT। तीसरा, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट, अब आप बताइए, आप खड़े हो जाइए, आप बताइए कि सैमसंग को कहां से फ्लैश कर सकते हैं?
सर, ओडिन से कर सकते हैं, मिरिकल से कर सकते हैं, यूएमटी से कर सकते हैं, जैक 3X. सारे चीजों का प्रैक्टिकल मिला है कि नहीं मिला है? yes, सभी को चलाना, कैसे रन करते हैं, कैसे फाइल देते हैं, कहां से क्या करते हैं? यस सर. ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप खड़े हो जाइए. स्पेक्ट्रम में आप कहां कहां से फ्लैश कर सकते हैं? रिसर्च से टूल से कर सकते हैं. दूसरा है अपग्रेड टूल से आप कर सकते हैं. तीसरा फैक्ट्री टूल से कर सकते हैं. और मिरेकल से भी आप फ्लैशिंग कर सकते हैं. इस सब का प्रैक्टिकल देखा है, केवल बताया गया है. ठीक है, अब आप खड़े हो जाइए. अब आप एक बार रिपीट कर दीजिए. हम जो पहली बार हम जान रहे हैं कि सबसे पहले फोन आता है तो उसमें हमें क्या जानना होता है? सीपीयू जानना होता है. तो सीपीयू जानने का फिर से रिमाइंड कर दो, कितने तरीके होते हैं? सीपीयू जानने के चार तरीके होते हैं. कौन कौन से? पहला सीपीयू टाइप और मॉडल नंबर लिखेंगे. वेरी गुड. और दूसरा होता है सर, उसको थोड़ा उल्टा कर लेंगे, मॉडल नंबर फिर सीपीयू टाइप. हालांकि आप वो भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, बट पहले हम मॉडल नंबर फिर सीपीयू टाइप लिखेंगे. दूसरा पोर्ट बनाएगा. पोर्ट आपका कब बनाएगा? फिर तीसरा होता है सर फाइल और टूल. और चौथा होता है जैसे मरीना. अब और भी कुछ है? पांचवा एक तरीका है जो एशिया टेलीकॉम आगे आपको सिखाऊंगा. पांचवा तरीका वो आप इस सबके लिए है. ठीक है, खड़े हो जाओ. आपकी सॉफ्टवेयर की क्लास हुई है तो सॉफ्टवेयर में आपको कैसा लग रहा है? आप कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे. ठीक है, आप खड़े हो जाओ. ठीक है, हम आपसे बात करते हैं. आपकी सॉफ्टवेयर की क्लास निकल चुकी है, सब मतलब हो चुका है. कैसा फील हो रहा है आपको ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन कर? अच्छा लग रहा है सर. मतलब जो आपने सीखा था, जो आपको सॉफ्टवेयर में एक्चुअल में जानना था, मिला कि नहीं मिला? मिला सर. ठीक है, आप खड़े हो जाओ. आपका नाम? सुनील. अब ये बताओ सुनील, की सॉफ्टवेयर की क्लास और हार्डवेयर की क्लास तुमने की, फ्रेशर थे कि पहले से काम करते थे? अब बताओ सॉफ्टवेयर में कैसा लग रहा है? कर पाओगे? कोई भी फोन आएगा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? चलिए ठीक है. मतलब मीडियाटेक की फ्लैशिंग हो या कॉलकॉम की फ्लैशिंग हो या कोई नए फोन ओप्पो वीवो के आए, वो कैसे उसको क्या रीड करना है, राइट करना है, सारी चीजें? ठीक है, ओके. तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बैच का रिव्यू था और सारे स्टूडेंट ने प्रैक्टिकली सब कुछ बताया. एक बात बताओ, यहाँ पे आपको एक फोन को डेड भी किया था, ऐसा है ना कि आपको जो प्रैक्टिकल यहाँ पे दी जा रही है, डेड करवाया भी जा रहा है और डेड करवा के वापस क्या किया जा रहा है? ये आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? घर तक आवाज जानी चाहिए आपके, तब तो लगेगा कि आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कोर्स किया हुआ है. तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ये हमारे स्टूडेंट आईफोन की क्लास के 15 फरवरी की बैच के. क्या नाम है तुम्हारा? शोएब अंसारी. शोएब अंसारी, कितने दिन से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट है? मेरी क्लास सर 15 फरवरी से स्टार्ट. कितने दिन हो गए सर? मुझे आज चौथा दिन है. चौथा दिन है, वेरी गुड. कहाँ से आया हो? सर मैं नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से. इसके पहले क्या जानते थे आईफोन के बारे में? सर मैं आईफोन के बारे में कुछ नहीं जानता था. हाँ, यहाँ तक के आईफोन को हाथ में लेने से भी डरता था. अच्छा, कि कभी मोबाइल डेड हो जाए. आज ये मैंने आईफोन बनाया है. अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? इसमें आईफोन में सर इसका एनोड पे पावर नहीं आ रही थी सर. अच्छा, इसके वोल्टेज, इसकी आई कोयल और कंपोनेंट लीकेज हो गए थे जो मैंने चेंज किए सर. अच्छा, अब क्या स्थिति है आपकी? आपने चेंज कर दिया? जी अब ये बना दिया सर मैंने. डिस्प्ले आ गई इसकी, बहुत बढ़िया चालू हो गया ये. जी सर. डिस्प्ले बताइए. जी सर. सर बहुत बढ़िया, ताली हो जाए इनके लिए, सबके लिए. कैसा लग रहा है आपको एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करके? सर मैं एशिया टेलीकॉम में आके बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया. अब से पहले मैं कम से कम सन 2006 से काम करता था मोबाइल का. मुझे ये नहीं पता था मोबाइल में कि ये कंपोनेंट लेवल पे भी मतलब मोबाइल रिपेयर होता है, वो मुझे यहीं आके पता चला है. वेरी गुड. इंडिया का मोबाइल इंस्टीट्यूट कौन है? An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.